हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद सुमन। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है, क्या रवि शास्त्री को राहुल द्रविड़ रिप्लेस करेगा। चलिए पहले थोड़ा रवि शास्त्री के बारे में जान लेते हैं। रवि शास्त्री इंडिया के लिए 11 साल खेल चुके हैं। 11 सालों में उन्होंने 80 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं और उन 80 टेस्ट मैचों में उन्होंने 150 से ज़्यादा विकेट और 3000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। कैरियर में उन्होंने पहले इंडियन टीम का डायरेक्टर था, उसके बाद इंडियन टीम का कोच बने 2017 में। उसके बाद इंडियन टीम जब सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप में हारी, उसके बाद उनको रीअपॉइंट किया गया इंडियन मेंस टीम का हेड कोच फिर से। और उनका जो आखिर डेट है वो है ICC 2021, जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, वो उनका आखिर होने वाला है कोचिंग में। क्या उनको फिर से रीअपॉइंट किया जाएगा और क्या राहुल द्रविड़ को उनके रिप्लेसमेंट हिसाब तरफ से सोचा जा रहा है? तो बता दें, राहुल द्रविड़ बहुत ही अच्छा प्लेयर थे। उन्होंने 150 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, 13000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। उन्होंने अंडर-19 क्रिकेट टीम का हेड कोच भी था, अंडर-19 क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप भी जिताया है। तो कोचिंग का उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो अभी NCA का हेड है। तो अगर हम लोग देखें तो इंडियन टीम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो दो इंडियन टीम एक ही साथ खेल रहा है। अगर आप सोचें तो दो दो इंडियन टीम कभी भी एक ही साथ नहीं खेला है। इंडियन ए टीम और इंडियन टीम खेला है एक साथ, लेकिन दो दो इंडियन टीम दो टूर पे एक साथ कभी नहीं ऐसा हुआ है। तो BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली का शायद ऐसा ही सोचना है कि नेक्स्ट जो इंडियन टीम का कोच होगा वो होगा राहुल द्रविड़। तो उनको इसीलिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ऐसा हो सकता है, ये गारंटीड नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसीलिए उनको इंडिया का जो श्रीलंका टूर है उनके हेड कोच बनाया गया है। वो उस टूर में कैप्टन होगा शिखर धवन और 3 ODI 3 T20I खेला जाएगा, उसमें हेड कोच होगा राहुल द्रविड़। तो सभी एक्स क्रिकेटर और सभी बहुत सारे दर्शकों का मानना है कि राहुल द्रविड़ इंडिया का नेक्स्ट हेड कोच बनेगा। अगर देखें कि रवि शास्त्री का एज 59 अभी है, उनका एक साल शायद मैक्सिमम वो कर सकते हैं। अबव 60 इंडियन टीम का कोच नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि राहुल द्रविड़ इंडियन टीम का हेड कोच बन जाए। इसमें कोई सरप्राइज वाला बात नहीं होगा, क्योंकि सौरभ गांगुली जो BCCI का प्रेसिडेंट है वो राहुल द्रविड़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते एज ए क्रिकेटर, एज ए कोचिंग स्टाफ, एज ए पर्सन। तो ये हो सकता है, अगर ये होगा तो हम लोग बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। थैंक यू ये एपिसोड सुनने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपका क्या राय है, और